मेरा नाम नवल है और मैं यहाँ चंडीगढ़ से ही हूँ मेरे लेफ़्ट घुटने में अथराइटिस हो गया था जो कि घुटना एक तरफ से डैमेज हो गया था तो मैंने कई शहर के बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया कईयों ने बोला कि आपके पूरे घुटने की रीसरफेसिंग होगी कईयों ने कुछ बोला कईयों ने कुछ बोला तो मैं डॉक्टर तरम तरमदीप सिंह गिल के पास हीलिंग हॉस्पिटल सेक्टर थर्टी में आया उन्होंने बोला भी हम आपकी सर्जरी सिर्फ उतने ही घुटने की करेंगे जितना आपका घुटना डैमेज है तो मैंने अपने यूनिक कंपार्टमेंटल री नी रिप्लेसमेंट डॉक्टर टी एस गिल से करवाई मैं यहाँ हीलिंग हॉस्पिटल में तेरह तारीख दिन मंगलवार को एडमिट हुआ था और चौदह तारीख को शाम ओ टी से बाहर आया था पाँच बजे के आसपास तो आज 18th ऑफ दिसंबर मैं यहाँ से डिस्चार्ज होने जा रहा हूँ और मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ पहले जो मुझे चलने में दिक्कत होती थी आज ऑपरेशन के सिर्फ़ दो दो या ढाई दिन के बाद ही अब मैं वॉकर से और स्टिक से चल भी पा रहा हूँ और अब मुझे कोई भी दर्द नहीं है। सर्जरी के अगले दिन ही फिजियोथेरेपिस्ट आए और मुझे बोला कि आपको हम चलाएँगे तो मैं एकदम से डर गया था लेकिन उन्होंने जैसे ही मुझे चलाना शुरू किया तो मेरे मन से डर निकल गया और दर्द भी थोड़ा थोड़ा पहले के मुकाबले कम होने लगा और जैसे जैसे फिजियोथेरापिस्ट दिन में तीन बार करवाने लगे तो अब मेरे को ऐसा कुछ भी ज़मीन में पैर रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है जिससे कि मैं पहले डर गया था और यहाँ हीलिंग हॉस्पिटल में, में मेरा जो स्टे है इट इज़ वेरी कंफर्टेबल और इनका स्टाफ भी बहुत अच्छा है साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखा गया है यहाँ का फूड भी प्रॉपर डाइटिशन के द्वारा ही दिया जाता है जो कि बहुत हेल्दी है टाइम टाइम पे प्रोटीन शेक टाइम टाइम पे फ्रूट आई एम थैंकफुल टू एंटायर टीम ऑफ हीलिंग हॉस्पिटल एंड स्पेशली थैंकफुल टू डॉक्टर तरनदीप सिंह गिल जिन्होंने आज मुझे मतलब काफ़ी तकलीफ़ से राहत uh, दिलवाई है पार्शल नी रिप्लेसमेंट एक एडवांस सर्जिकल प्रोसीजर है जो कि उन मरीजों के लिए है जिनके घुटने का सिर्फ एक कंपार्टमेंट खराब हुआ होता है हमारे घुटने के तीन कंपार्टमेंट होते हैं मिडिल फिमोरोबियल कंपार्टमेंट यानी कि घुटने के अंदर वाली तरफ का लैटरल कंपार्टमेंट घुटने की बाहर वाली तरफ का कंपार्टमेंट और पटेलो फेमोरियल कंपार्टमेंट यानी कि जो नी कैप के नीचे वाला कंपार्टमेंट होता है जब ये तीनों कंपार्टमेंट आर्थराइटिस से खराब हो जाते हैं तो हमें टोटल नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत होती है लेकिन कुछ मरीजों में घुटने के सिर्फ अंदर वाला कंपार्टमेंट खराब होता है जिसको हम मीडियल कंपार्टमेंट ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं ऐसे पेशेंट्स में बिना किसी वजह के सारे कंपार्टमेंट्स बदल देना या टोटल नी रिप्लेसमेंट कर देना एक तरीके से गलत है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती है जब हमारे पास पार्शल नी रिप्लेसमेंट के ऑप्शंस नहीं अवेलेबल थे तब हमें मजबूरन टोटल नी रिप्लेसमेंट ऐसे पेशेंट्स में भी करने की ज़रूरत पड़ती थी लेकिन आजकल अगर किसी पेशेंट को मीडियल ऑस्टियोआर्थराइटिस uh, है मिडिल कंपार्टमेंट ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो उन पेशेंट्स में पार्शियल नी रिप्लेसमेंट एक बहुत ही सक्सेसफुल सर्जरी है ऐसे पेशेंट्स में uh, बहुत ज़रूरी है कि एक सही तरीके से डायग्नोसिस बनाया जाए प्रॉपर क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बाद ये कन्फर्म करने के बाद कि सिर्फ एक ही कंपार्टमेंट खराब है और बाकी सारे कंपार्टमेंट्स बिल्कुल ठीक हैं या बाकी सारे लिगामेंट्स जो हैं स्पेशली एसियल लिगामेंट वो ठीक है तभी हमें पार्शल रिप्लेसमेंट करनी चाहिए इसके लिए ज़रूरी है पेशेंट का क्लिनिकल एग्जामिनेशन पेशेंट के नॉर्मल एक्सरेज और कुछ स्ट्रेस एक्सरेज कुछ स्पेशल एक्सरेज भी होते हैं जो हमें करवाने पड़ते हैं कई केसेस में हमें एम भी करवानी पड़ती है ये देखने के लिए कि सारे लिगामेंट्स अपना नॉर्मल काम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे अगर सही टाइम पे डायग्नोसिस कंफर्म हो जाए कि पेशेंट का एक ही कंपार्टमेंट खराब है तो ऐसे पेशेंट्स में पार्शली रिप्लेसमेंट एक बहुत ही सक्सेसफुल सर्जरी होती है इस सर्जरी में हम सिर्फ खराब हिस्से को ही चेंज करते हैं यानी कि बहुत ही छोटे छोटे मेटल के कैप से हम खराब हिस्से को एक तरह से कवर कर देते हैं जैसे हमारे डेंटल इम्प्लांट्स होते हैं डेंटल इम्प्लांट्स का बेसिक प्रिंसिपल यही है कि खराब दांत के ऊपर एक आर्टिफिशियल मटेरियल की कोटिंग लगा देना सिमिलरली पार्शली रिप्लेसमेंट में भी हम खराब हिस्से के ऊपर मेटल के कैप्स लगा देते हैं पेशेंट्स पार्शल नी रिप्लेसमेंट के अब बहुत ही जल्दी रिकवर करते हैं वे अपना चलना फिरना बहुत जल्दी शुरू कर देते हैं वॉकर की जरूरत एक या दो दिन के लिए ही पड़ती है घुटना अपने पूरे मूवमेंट कर सकता है यानी कि घुटना पूरे तरीके से मुड़ सकता है आ, सर्जरी के बाद और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है सर्जरी के बाद पेशेंट का घुटना पेशेंट को बहुत ज़्यादा नेचुरल फील होता है यानी कि उसको ऐसा कुछ हैवीनेस होना या कुछ मूवमेंट कम होना या कुछ भारीपन या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम पार्शल नी रिप्लेसमेंट के पेशेंट्स में नहीं आती हैं जो भी पेशेंट को घुटने के अंदर वाली साइड पे दर्द होना अभी कुछ दिनों या कुछ हफ्तों कुछ महीनों पहले ही शुरू हुआ हो वह एक बार ज़रूर अपना एक्सरेस कुछ स्पेशल एक्सरेस अपने डॉक्टर के साथ आ, मीटिंग के बाद क्लिनिकल एग्जामिनेशन और शायद एमआरआई के बाद एक बार ज़रूर अपने डॉक्टर से पूछें कि क्या पार्शल नी रिप्लेसमेंट उनमें की जा सकती है या नहीं की जा सकती है थैंक यू